नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम अपने परिवार के लिए, हम अपने सनातन धर्म के उन परिवार के लिए, बल्कि जो गैर सनातनी भी हैं, जो हमारे हैं, आपके हैं, अपने हैं, उन लोगों के लिए एक चमत्कारी और तुरंत जो घंटों में काम करता है, ऐसा प्रयोग लाया हूँ। प्यारे दर्शकों, आज की डेट में कोई ऐसा घर नहीं जहाँ कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, लेकिन एक ऐसी भी बीमारी है जिसका इलाज आप, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2-3 साल से भटक रहे होंगे, पैसे पर पैसा जा रहा है, लेकिन आपको रिलीफ नहीं मिला होगा, दवाइयाँ खा रहे होंगे। खाते रहो तब तक वो जो प्रॉब्लम है वो दबी है। दवा जिस दिन खाना बंद किए उसी दिन फिर वो प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारे वेद शास्त्रों में, हमारे प्राचीन भारत के आयुर्वेदिक शास्त्र में बहुत चमत्कारी चीज भरी पड़ी है, लेकिन हम लोग, हाय मम्मी, हाय डैडी, मोमो, चाउमीन खाने वाले इंसान, हम लोग अंग्रेजी बोलने वाले हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं, इसीलिए हम अपनी सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर, अपने वेदों पर, अपने पुराणों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। सबसे बड़ी गलती उन माँ बाप की है जो अपने बच्चों को अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने दादा, परदादा, नाना, नानी इत्यादि के बारे में नहीं बताते, ना कभी वो कहते कि बेटा कभी रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, सुबह शाम 4 मंत्र पढ़ लिया करो। नहीं, बस वो खुश हो जाते कि उनका बेटा, उनकी बेटी आए, रील बनाए और या कंधे पर हाथ रख के बोल दे, अरे यार पापा। यार का मतलब, जिस दिन पापाओं को पता चल जाएगा, वो उसी दिन जान जाएंगे कि अभी तक मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा था, मुझे यार बोलने वाला मेरा ही खून कितनी बड़ी गाली मुझे दे रहा था। तो प्यारे दर्शकों, ये उपाय आपके घर या आपके अड़ोसी पड़ोसी में भी कारगर हो सकता है उनके लिए। अगर आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अर्ध पागलपन, यानी अकेले में बातचीत करता हो, बुदबुदाता हो, बोलता ना हो, या कभी कभार अचानक बेहोश हो जाता हो, या बहुत क्रोधित वाला हो, या फोबिया पेशेंट हो, बार बार हाथ पांव धुलना, या आपके यहाँ ऐसा बालक हो जो हर बात पे गालियाँ बकता हो, आपको लगे भूत प्रेत है, बाबाओं के चक्कर, ओझाओं के चक्कर, दरबारों के चक्कर लगा के थक गए हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। निवेदन है, आपको भी पता चले कि हमारी भारतीय संस्कृति वनस्पति तंत्र के साथ जंतु, जो हमारा जंतु विज्ञान था, जंतु तंत्र था, उसमें कितनी ताकत है। दौरे बार बार किसी को पड़ रहे हो, दौड़ा झटका आना, झटके आने में दांत बैठ जाना और मुंह से झाक आना या बदन ऐठ जाना, हिस्टीरिया, कहने मतलब नीरो प्रॉब्लम किसी टाइप की हो जिससे व्यक्ति को दिमागी या शारीरिक दौरे पड़ते हों, ऐठन होती हो, क्रोधित होता हो, पागलपन जैसा उसके अंदर हरकत होती हो, तो इसे जरूर पहनाइएगा। चलिए, अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए जय श्री राम के उद्घोष के साथ इस उपाय को बताते हैं। प्यारे दर्शकों, ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ है और इस चीज़ को अधिकतर, जैसे हमारे यहाँ नट जात होती है, अपने बच्चों को पहनाते थे, तो आप भी ध्यान रखिए, इससे पहनने से ये रोग ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र का भी प्रयोग निष्फल जाता है। तो शुरुआत करते हैं, वो है क्या चीज़, वीडियो को बगैर बढ़ाए देखते रहिएगा, नहीं जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अर्थात आप भूल जाएंगे कि गुरुजी ने क्या बताया था, वो अधूरा प्रयोग करेंगे, निष्फल रहेंगे। तो करना क्या, प्यारे दर्शकों, किसी भी रवि पुष्प नक्षत्र को अनार का बांदा निमंत्रण दे के ले आए, ठीक है, और एक जंगलों में, बांसों में रहने वाला जंतु होता है। देखिए, मैं मेरा चैनल में बार बार कहता हूँ, किसी जंतु को नुकसान पहुँचाना, मारना, काटना या उसके शरीर के किसी अंग को निकालना, ये जघन्य अपराध है, तो इसे ना करें। लेकिन हम लोग बोलते हैं कबर बिज्जू बोलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं मुर्द को खाता है, लेकिन इसको ऐसी बात नहीं, ये बांस की कोपलों को भी खाता है, और हमारे यहाँ बिज्जू भी बोलते हैं,
बिज्जू की एक विशेषता होती है, ये खोह बना के रहता, जहाँ बंसवाड़ी रहती, तालाब रहता है, बड़ी झाड़ झंकाड़ रहती है घनी झाड़ियों के आसपास, जैसे नेवला, खरगोश, जंगली खरगोश, लोमड़ी, सियार, इसी प्रकार से इसका भी बिल होता है। इसके बिल की विशेषता होती है, ये थोड़ा सा आपको जैसे त्रिभुजाकार मिलेगा, जैसे बिछखोपड़ा नहीं होता है, घोंट उसका बिल रहता है उसी तरीके से। मैं ये नहीं कहता आप वहाँ जाइए, लेकिन आप अपने निकटतम किसी पंसारी के यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं शुद्ध ओरिजिनल। होता क्या है, कबर बिज्जू जब जब अपने बच्चे देते हैं तो 5, 7, 8 ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है। बच्चे देने के बाद जिस प्रकार बिल्ली की नाल होती है, सेम ये कैट फैमिली का है, तो वो प्रोसीजर इसके साथ भी होता है। उसकी नाल मिट्टी में गिर जाती है, जहाँ बिल बनाए रहते हैं खूब मिट्टी रहती है, मिट्टी लिपटने की वजह से वो खा नहीं पाता है, इसी कारण वो अंदर सूख कर छोटी छोटी गांठ जैसी हो जाती है। उन्हीं वो बहुत ही भाग्य से मिलती है, एक गांठ में 100 से 50 लोगों का इलाज हो जाता है, सिर्फ इतना ही बांधना पड़ता है, उस गांठ का टुकड़ा और ये जो अनार के बांधे का टुकड़ा, दोनों को लेकर एक ताबीज में भरकर लाल धागे में जिस जातक को पहना देंगे, बताए हुए जो भी दोष हैं वह चंद दिनों में नष्ट हो जाएंगे। प्यारे दर्शकों, ये जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। आपकी लाइक, आपकी सलाह, आपका प्यार हमारे लिए विटामिन सी का काम करता है, अर्थात हमको प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारी लाएं जो हमारी भारतीय संस्कृति में लुप्त हो रही हैं। और आप लाइक के साथ कमेंट अच्छा करें, साथ ही इस असुविधा में अगर इस चीज़ को बनाने में कोई असुविधा हो रही तो 8726153903 पर संपर्क करें, हम प्रयास करेंगे ये चीज़ आपको घर बैठे मिल जाए। जय श्री राम।